वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें निकालना ये है कि हमको एलसीएम एंड एचसीएम फाइंड कर लेना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम निकाल लेंगे। पहले हम ये तीनों का फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 12 पर निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। तो ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 12, फिर 2 से होगा, 2 3 6, फिर 3 1 3। अब यहाँ पे हम 15 से कर लेंगे, तो यहाँ पे 15 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 5 15 और 5 5। अब यहाँ पे हम 21 का कर लेंगे, तो 3 7 21, 7 1 7। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट के थ्रू लिख देंगे कि 2 1 2 2 3, और यहाँ पे 15 का लिख देंगे 3 5, और यहाँ हम 21 का लिख देंगे 3 7। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन है सब में, 3 3 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। अब एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो एलसीएम हम लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे 3 हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ये कॉमन है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 420। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 17 23 and 29। सबसे पहले हम 17 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 17, अब ये 17 खुद से डिवाइड होता है, तो 17 17 हो जाएगा। फिर हम 23 को करेंगे, 23 भी खुद से डिविजिबल होता है, तो 23 23। अब एट लास्ट 29 को कर लेंगे, 29 भी खुद से डिविजिबल होगा, तो 29 29। अब यहाँ हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे 17 इज़ इक्वल टू, अब या तो ये 1 से डिविजिबल है या तो 17 से डिविजिबल है, तो 1 इंटू 17। अब यहाँ पे 23 को लिख देंगे, फिर वैसे ही 1 इंटू 23, और 29 का लिख देंगे 1 इंटू 29। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 कॉमन है इसलिए 1 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। तो यहाँ पे हम इन सबको कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 11 339। ओके स्टूडेंट्स, अब बैठे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 8 9 एंड 25। तो हम सबसे पहले 8 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख देंगे 8। अब इसका डिवाइड कर देंगे, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब यहाँ पे 9 से ट्राई कर लेंगे, तो 3 3 9, 3 1 3, और यहाँ पे हम 25 का कर लेंगे, 5 5 25 5 5। अब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, तो 8 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का कर देंगे, तो 3 इंटू 3, और 25 का लिख लेंगे 5 इंटू 5। अब हम यहाँ पे एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई है कुछ, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 1 से डिविजिबल हो रहा था या फिर एक्सेल डिविजिबल हो रहा था, तो सेम यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा कि यहाँ पे 1 1 1 भी है, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। अब हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 5। अब इन सबको हम आंसर आ जाएगा 1800। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।